Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back. तो अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम ना एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो किस चीज के बारे में है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है तो हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सब्जेक्ट इस सीरीज में कवर कर लेंगे और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सीरियल वाइज उन सबको हम कवर करेंगे हम गवर्नमेंट के फॉर्म्स कैसे होते हैं वो सब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ ये देखेंगे सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं और सब कुछ हैं वो हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे तो आज से हमारी ये

डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट विद द अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 26 1950 तो जनवरी 26 1950 को क्या हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट करा है जनवरी 26 1950 जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं यानी कि रिपब्लिक डे तो आपको पता है ये बात कि हम हमेशा हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो हम क्यों करते हैं क्योंकि उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था और इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पूरी कंट्री में नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन है संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री ऑन ट्वेंटी सिक्स नवम्बर एवरी ईयर टू कॉमरेट क्या चीज़ कॉमरेट करने के लिए दॉोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिवस कहते हैं किस दिन को नवंबर को अच्छा ये ना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था और इस बार भी मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको इसे कैसे याद रखना है देखो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं संविधान दिवस अलग है और गणतंत्र दिवस अलग है गणतंत्र दिवस हमारा रिपब्लिक डे है जिसे हम कब मनाते हैं छब्बीस जनवरी को हर साल और 26 नवंबर जो है ना वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट कर लिया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था कंप्लीट हो गया था इसलिए हम संविधान दिवस तब मनाते हैं और उसी के साथ साथ जो हमारा रिपब्लिक डे है यानी कि गणतंत्र दिवस उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था उसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया था तो वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं ट्वेंटी जनवरी को तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ऑन ट्वेंटी नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करा गया which came into effect from 26 January. So as I have told you, which came into effect. Effect में कब आया ये तो effect में आया 26 January 1950 में तो क्या effect में आया था उस दिन हमारा Constitution. So this is what you need to remember here. तो अब एक एक करके ना हम सारे सोर्सेस कवर करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से अडॉप्ट करा गया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अब जब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की ना तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है देखो हमें पता है कि कॉलोनी uh, रह चुके हैं हम ब्रिटिश की ब्रिटिशर्स की और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश uh, रूल्स हैं ना या फिर वो है वो हम पे बहुत ज़्यादा थोपे गए थे उस समय में जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे ब्रिटिशर्स से तो इसीलिए आप देखना नंबर ऑफ जो सोर्स प्रोविजन हम कह लें स्पेसिफिकली जो हमने अडॉप्ट करे हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वो बहुत ज़्यादा हैं तो आइए एक बार उनके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना हमारा कि पार्लियामेंट है यहाँ पर लोकसभा है राज्यसभा है ऐसे पूरा एक पार्लियामेंट का सिस्टम फॉलो होता है वो कहाँ से अडॉप्ट करा गया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है नेक्स्ट इज़ कैबिनेट सिस्टम अब आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में ना कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं पूरी कैबिनेट होती है तो ये सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट करा गया है ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा गया है नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ को हम फॉलो करते हैं तो इसे भी हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अब बाइका मेलरिज्म का एक प्रोविजन होता है तो इसमें क्या होता है बेसिकली अपर बॉडी जो होती है गवर्नमेंट की वो होती है लोअर बॉडी होती है जैसे स्टेट हो गया और सेंटर गवर्नमेंट हो गया तो बेसिकली ये जो सिस्टम होता है ना ये भी हमने कहाँ से लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है सिंगल सिटीजनशिप अब सिंगल सिटीजनशिप कैसे होती है जैसे कि मान लीजिए इंडिया में ये स्पेसिफिकली फॉलो करी जाती है किस तरीके से कि ये मैटर नहीं करता है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं राजस्थान में रहते हैं या किसी भी स्टेट में रहते हैं आपको एक सिंगल सिटीजनशिप पूरे भारत की दी जाती है तो ये भी जो एक प्रोविजन है या फिर हम कह लें इस को हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिट्स के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगी तो रिट्स को भी हमने वहीं से अडॉप्ट करा है नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिवेलेजेस अब पार्लियामेंट में कुछ प्रिवलेजेस दी जाती हैं पार्लियामेंट के मेम्बर्स को तो वो भी यहीं से अडॉप्ट करा गया नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसको भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कराया है नेक्स्ट इज लॉ मेकिंग प्रोसीजर तो जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर इंडिया में फॉलो होता है ना जिस तरीके से लॉज बनाए जाते हैं वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा गया है तो अब नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे अब ये एक्ट 1935 का है और ये एक्ट ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रिटिशर्स ही लेकर के आए थे और उन्होंने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करा था इंडिया पे अब बेसिकली क्या हुआ जब ये एक्ट जो है ना उस समय का जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे हम भारत तो इसको सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है उस समय पे जो सबसे बड़ा एक्ट उस समय पे इन करा गया था वो यही एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और बेसिकली ना जब ये एक्ट रिपील हुआ ना तो ये रिपील कब हुआ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आप शायद इसे समझ पाओगे जिस दिन से हमारा संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा गया उसी दिन से ये एक्ट रिपील हो गया था यानी कि छब्बीस जनवरी नाइनटीन को तो ये आपको याद रखना है कब ये रिपील हुआ था तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना ये रिपील हो गया था कब 1950 में 26 जनवरी को जिस दिन से हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान इंप्लीमेंट करा गया नेक्स्ट इज इससे हमने क्या क्या अब सोर्सेज जो हैं या फिर हम कह लें प्रोविजन जो हैं हमने लिए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आइए एक बार वो जान लेते हैं फेडरल स्कीम दैट इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप अब फेडरलिज्म के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि फेडरलिज्म ना बेसिकली एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री तो वो टू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन सी हैं यही है कि सेंटर और स्टेट का एक रिलेशनशिप हो गया दो यूनिट्स हो गई ना सेंटर अलग और स्टेट अलग 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 गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे होती है स्टेट गवर्नमेंट अलग, अलग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है तो वही फेडरलिज्म होता है जो कि इंडिया में फॉलो करा जाता है तो ये फेडरल स्कीम जो है हमने कहाँ से ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ गवर्नर अब गवर्नर क्या होता है किसी स्टेट का एक हेड होता है तो वो सिस्टम भी हमने या फिर कह लें प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है एग्जीक्यूटिव फंक्शन लॉ इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है वो किसका होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन तो ये भी हमने यहीं से लिया है नेक्स्ट प्रोविज़न हमारा जुडिशरी का है हम सभी को पता है कि हमारे आ, लीगल सिस्टम में जुडिशरी का बहुत महत्व है तो इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस कमीशन अब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको भी हमने यहीं से अडॉप्ट करा है पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि कमीशन बनाया जाता है ये ठीक है यूनियन uh, का अलग होता है स्टेट का अलग होता है कॉन्करेंट अलग होता है तीन टाइप्स होते हैं इसके और इसको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अडॉप्ट करा है नेक्स्ट इज़ इमरजेंसी प्रोविजन तो जितने भी हमारे देश में जब इमरजेंसी लग जाती है तो उसकी जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें भी हमने यहीं से अडॉप्ट करा है तो अब एक बार जान लेते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से हमने कौन कौन से प्रोविजन जो है उनको अडॉप्ट करा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जितने भी हैं फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है वो भी जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से एंड नेक्स्ट इज़ जुडिशियल रिव्यू तो ये तीनों जो हमारे सोर्सेज हैं इनको हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है क्योंकि हमें ये बात पता है कि यूएस में क्या फॉलो होता है डेमोक्रेसी फॉलो होती है तो ये सारे जो प्रोविजन uh, है ना ये बेसिकली डेमोक्रेसी से ही रिलेटेड है और इन सब को हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सो नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं कि हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स सोर्सेज अडॉप्ट करे हैं तो फीचर जो हमने अडॉप्ट करे हैं यहाँ से वो है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉग सेंटर हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये हमने देखा है तो ये जो फ़ीचर है या फिर प्रोविजन हम कह लें हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर अब देखो स्टेट का जो एक गवर्नर होता है हर स्टेट का एक गवर्नर होता है और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो गवर्नर को कहां से अडोप्ट किसके थ्रू अडॉप्ट करा जाता है सेंटर के थ्रू तो ये प्रोविजन या फिर फीचर कहले हम कहां से आए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड नेक्स्ट इज रेसिडरी पावर्स सो रेसिडरी पावर्स इन द स्टेट ऑफ सेंटर अब रेसिडरी पावर्स को आप कैसे समझोगे रेसिडरी पावर्स वही जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में मैंशन uh, नहीं है ना पहले से तो उनके बारे में फिर नए लॉज या फिर हम कह लें नए एक्ट कौन बनाता है हमारा यूनियन पार्लियामेंट बनाती है तो ये रेसिडरी पावर्स होती हैं तो ये रेसिडरी पावर्स किसके पास होती है सेंटर के पास में और इसको हमने इस फीचर को कहाँ से अडॉप्ट करा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट इज एडवाइजरी यू ऑफ द सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट तो का जो है, ये भी हमने कहां से अडॉप्ट करा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से हमने कौन कौन से फीचर्स अडॉप्ट करे हैं तो बेसिकली देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डीपीएसपी हमारे और डी हमसे मोस्टली हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं तो ये जो फीचर है ना ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है ये आपको याद रखना है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट अब पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते हैं ना जिनको हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे कब जब हम अपनी सीरीज आ, आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो उसमें हम आगे जानेंगे तो ये वाला भी जो फीचर है ना इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है नेक्स्ट इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेजिडेंट अब आपको ये तो पता होगा ना कि जो नॉमिनेशन राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका नॉमिनेशन किया जाता है पहले किसके द्वारा किया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा किया जाता है तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ Rajya Sabha बाय द प्रेजिडेंट ये फीचर हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे तो अब आप देखो आगे हम जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वहाँ से हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स को अडॉप्ट करा है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट करा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सो प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है ये कहाँ से अडॉप्ट करी गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट अब आपको पता है ना तीन तरह की लिस्ट होती है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट तो ये जो कॉनकरेंट लिस्ट है ना इसको भी अडॉप्ट करा गया है कहाँ से ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से दो हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है पार्लियामेंट के हाउसेज तो इनकी जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ना इसका भी प्रोविजन कहाँ से अडॉप्ट करा गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से सो नेक्स्ट इज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन अब जान लेते हैं कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से प्रोविजन या फिर कह लें फीचर्स अडॉप्ट करे हैं सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी जो भी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज सारी कहाँ से अडॉप्ट करी गई हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस एन्यूमरेटेड इन द प्रियम्बल दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं जस्टिस के ये कहाँ से अडोप्ट करे गए हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी हम आगे इस सीरीज में कवर करेंगे नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन अब हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फ़ीचर्स अडॉप्ट करे हैं सो इट इज़ द प्रोसिजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो जाते हैं राइट right? तो so, ये जो फीचर है ना अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ से आया है ये आया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से एंड नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा अभी अभी हमने पढ़ा कि नाम जो है वो नॉमिनेट करे जाते हैं किसके राज्यसभा मेंबर्स के किसके द्वारा प्रेजिडेंट के द्वारा तो अब इलेक्शन जब बाद में उनका होता है तो ये इलेक्शन वाला फीचर कहां से लिया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से किसका इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अब देखो ये नेक्स्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस इज़ बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ जर्मनी अब यहाँ से आप देखो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अडॉप्ट करी गई है विच इज़ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेसन अगर हो जाए तो रिट्स को लेकर डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकिन आप ही के फंडामेंटल राइट्स अगर सिटीजनस के वायलेट हो रहे हैं लेकिन उस समय पर क्या है अगर एमरजेंसी लगी हुई है देश में तो फिर क्या हो जाता है उनका सस्पेंशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसे कहाँ से अडॉप्ट करा गया है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद भी होगा इससे पहले जब इंदिरा गांधी जी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो क्या हुआ था सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन अब एक बार फटाफट से ना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं सो रिपब्लिकन सिस्टम जो है ना हमारा वो हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी इन द प्रियम्बल ये सब चीजें हमने कहाँ से अडॉप्ट करी हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी हैं और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो रिपब्लिक डे वाली देखी थी ना तो मैंने आपको बताया था कि इस साल जब हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा तो हमारे गेस्ट कौन थे हमारे गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो की है Macron, वो इस साल हमारे गेस्ट रहे हैं तो आपको मैंने बोला था कि आप को करके इन दोनों चीजों को याद रख सकते हो कि इस साल 2024 में हमारे गेस्ट थे मैनुअल मैकरॉन जो कि फ्रेंच प्रेजिडेंट है और उसी के साथ साथ हमारा जो रिपब्लिक का फीचर है वो हमने कहाँ से करा है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट करा है सो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर हियर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन अब जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा फीचर अडॉप्ट करा है तो हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ जो कि हम फॉलो करते हैं तो वो जो लॉ के द्वारा एक प्रोसीजर स्टैब्लिश करा जाता है इस इस फीचर को हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस फीचर को अडॉप्ट करा है सो यू कैन रिमेंबर दिस एज़ वेल अब इस सीरीज़ में हम आगे चल के ये सारे चीज़ें आर्टिकल वाइज कवर करते जाएंगे एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और ये सारी चीज़ें ना आपको याद रखनी है क्योंकि आपसे किसी भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी तरीके के आप मान लीजिए आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो आपको ये सारी चीजें ना याद रखनी है बहुत अच्छे से कि कौन कौन से स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ हैं और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा तो कहाँ से कौन से प्रोविजंस या फिर फीचर्स कह लें हम उन्हें अडॉप्ट करा है और उसी के साथ साथ संविधान दिवस और गढ़ गर, गणतंत्र दिवस ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हो गया था वो डेट और उसी के साथ साथ जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा गया है ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है सो दिस इज वॉट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एंड आई विल सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम आगे के फीचर्स को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में अब हम बात करनी शुरू करेंगे